अच्छा वो मैं आपको बताऊंगा वाटर कलर में, वो जहाँ व्हाइट होता है ना वो तो छोड़ दिया, लेकिन बाकी कलर को तो लाइट करने के लिए व्हाइट चाहिए होगा ना। नहीं वो जब आपको प्रॉपर व्हाइट होगा वाटर कलर करते ना सर, पानी से इसको पतला करते हैं थोड़ा, अच्छा, वो इसलिए मैंने आपसे आप शेड वाला आप तभी बता रहे थे। तभी आपने बनाया इसीलिए। अच्छा, हाँ वो नीचे वो होता जा रहा है, जैसे जैसे आप उसमें पानी डालेंगे वो लाइट होता है, हाँ वाइट होता जाएगा वो, वो इसलिए आपसे शेड का बनाया था। हाँ मैं देख रहा था जो आपने लड़के की पेंटिंग भेजी थी, एक्चुअली उसमें हार्डली कोई ऐसा कोई कलर का क्वांटिटी है, कुछ भी कलर की क्वांटिटी नहीं है शायद। कलर तो सारे जैसे कि अगर हम ऐसी पेंटिंग बनाते हैं कैनवास पर बनाते हैं ना, हाँ तो हमें थोड़ा सा कैनवास में कलर लगाना पड़ता है, क्योंकि बम अगर हम कैनवास पे बिल्कुल कैनवास कागज पे नहीं लगता कलर हम जैसे ज़्यादा, कैनवास पे अगर पतला कलर लगाते हैं तो वो आपका ये इफेक्ट आता है, दिखेगा। ये वाटर कलर में ऐसा इफेक्ट होता है। हाँ, अभी जैसे वाटर कलर में मान लो मैंने पानी लगा के इसी को मैंने अंदर का मिक्स कर दिया, पूरे पे फैल जाएगा। हाँ तो बस वो ऐसे ही आएगा आपका, आप देखेंगे वाटर कलर यूट्यूब पे देखेंगे तो यही ऐसे ही इफेक्ट आएगा, हाँ ऐसे ही आ रहा जहाँ है, पे वाइट छोड़ना है वो लोग वाइट छोड़ देते हाँ हैं। हाँ 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 वो ऐसे ही इफेक्ट आ रहा है, जो लड़का दिया है ना आपने बनाने को उसमें बिल्कुल, जब मैं देखा जरा सा कलर लगा हुआ, कल ये लड़के में तो मैंने बहुत कलर लगाया, मैं पागल हो गया लगाते लगाते, इतना कलर लगा कल। वो मैंने इसलिए आपको भेजा था क्योंकि मैंने आपको शेड का इसलिए बनवाया था, आपने शेड का ध्यान नहीं रखा। अभी अभी वो बनाऊंगा और ठीक से, मैं सोच रहा था आप यही बात बोलोगे शेड कार्ड वाली। इसलिए मैंने शेड का सबसे पहले शेड कार्ड इसको बनवाया था। ये पूरा भी नहीं हुआ वो मेरा आलस कर गया हूं, आज बनाऊंगा शेड कार्ड, दोबारा से बनाऊंगा शेड कार्ड पूरा। क्योंकि सर उससे ना आपको ना पता चल जाएगा क्वांटिटी पानी कितना पानी रखना है कितना एक कैसे ड्रॉपर रखना खरीद लेंगे जिससे ड्रॉपर से भी अंदाजा होगा कितना, बट उसमें क्वांटिटी और कलर भी तो फर्क पड़ेगा जितना है। नहीं ज्यादा। आप जैसे मान लो आपने इतना कलर निकाला है या आपने ये कलर निकाला है, हाँ अब आप इसमें दो बूंद ड्रॉपर से पानी डालो फिर हाँ उसमें दो बूंद डालो फिर दो बूंद डालो ऐसे करते रहो। नहीं अब मैं ज्यादा कलर लूंगा तो फिर नंबर ऑफ ड्रॉप बढ़ना चाहिए ना फिर, हाँ फिर बढ़ना चाहिए जैसे अगर आपको लग रहा है ज़्यादा डार्क हो गया। नहीं व्हाट आई मीन टू से, मैं 1 ml कलर ले रहा हूँ और उसमें 2 बूंद पानी की डाल रहा हूँ और 5 ml कलर ले रहा हूँ उसमें 2 बूंद डाल रहा हूँ, तो वो ड्रॉप भी मल्टीप्लाई होगी ना, हाँ तो हमें एक क्वांटिटी ध्यान रखनी पड़ेगी, हमारे इतने कलर के लिए इतनी ड्रॉप वाला है ये, तो उतना उससे ज़्यादा कलर लेंगे तो उतना ही ड्रॉप का मल्टीप्लीकेशन होता जाएगा। वो बात देखा जाए तो अपने आप में पूरी हो गई पेंटिंग अभी बनी अभी बनी नहीं है। तो अभी तो एक पेड़ बनाऊंगा और मैं नहीं सोचा था एक पेड़ यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ होगा मैं यहाँ घर बना दीजिए, घर तो नहीं सकता ठीक नहीं रहेगा यार। अरे 5-10 मिनट रेस्ट करके मिट्टी मिट्टी बिल्कुल मुझे एकदम तो मक्खन जैसी चाहिए आज, जैसे मक्खन जैसी कैसी होगी कल दिखा के हाँ? लाया था आपको उसकी कल माँ, कल को वहां का सिस्टम नहीं देखे थे आप, दिखाओ फोन में वीडियो बना के लाई हो, उन्होंने गमला ऐसी गहरा सा खोद